Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. चलिए अब बुलाते हैं उन्हें, हमारे अगले गेस्ट को, जो वाकई में हिंदुस्तान की शान है. लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने हमें हाल ही में एशिया कप जीत कर दिया है. सो प्लीज वेलकम इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और उनके प्लेयर्स गुरजंत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, सुनील विठलाचार्य एंड आकाश चिट्टे. क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हमारे हिंदुस्तान की शान, लेडीज एंड जेंटलमैन, द हॉकी टीम ऑफ इंडिया. कैसा लग रहा है जीत के यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और स्पेशली हम लोग इंडियन का थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि हमें बहुत सपोर्ट मिला जब हम एशिया कप खेल रहे थे. सभी का बहुत प्यार मिला हमें, और सभी ने इतना हमें प्यार किया, बहुत खुशी फील हुई जब हम एशिया कप जीते थे. मैंने ये सोचा था कि यार बहुत सारी ऑडियंस होगी और प्रेशर में रहूँगा, तो मेरे को लग रहा है पूरी स्टेडियम वाली फीलिंग आ रही है कि इतना क्राउड है और पूरा चेयर कर रहे हैं हमको, कोई मैच खेलने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. क्या बात है. अच्छा मुझे एक बात जानी, बहुत इंपॉर्टेंट. मनप्रीत भाई, आप मेरे को बताओ, आपको टैटूज का बड़ा शौक है. ऐसा था कि जैसे मैं डेविड बेकहम का काफी बड़ा फैन था, ठीक है, तो उसके पूरी बॉडी पे उसके टैटू हैं, तो मेरा भी हाँ कि यार मैं भी टैटू, और लड़कियां और देखेंगी मेरी तरह ये टैटू. फिर लड़कियों का रिएक्शन कैसा था आपकी तरफ? अभी तक जितने भी टैटू, ओ तेरे पास इतने टैटू, ओ माय गॉड सीरियसली यार, और भी बनाएगा क्या? हाँ और भी बना रहा हूँ. ओ माय गॉड सीरियसली, कहाँ का बना रहा है तू ये? काफी एक्चुअली हाँ, आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिनको बहुत पसंद आता है ये सब पियर्सिंग्स और टैटूज, सो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. देखा, पता चल गया. आप में से बॉलीवुड में काम करना कौन चाहता है? मतलब ऐसा शौक किस किस का? आप ही का है ना. मैं सबसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबके सब इस तरह इशारा करें. इन्हीं का बॉलीवुड में काम करना आपका शौक है, आपकी आपके मन की इच्छा है? अच्छा लगता है कि यहाँ की जब भी देखते हैं कि आप मूवीज वगैरह देखते हैं, हे क्या बोलती तू. तो ऐसा कि एक्टिंग करना थोड़ा सा जैसे कि अच्छा देखने में अच्छा लगता है, वैसे ही बस मजा आता है. मजा आता है. मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी एक और स्पोर्ट्समैन हमारे बीच में जिन्होंने फिल्मों में बहुत काम किया है, अजय सर. अबे इनका मूवी मैंने देखा भी है. देखो बड़ी गलतियां की हैं उसमें से, वो भी एक थी. तो गलती करके जो जितनी जल्दी सीख जाए वो खुश नसीब है, तो आप दूसरों से सीख लें तो बेहतर रहेगा. आपको सलीना जेटली के साथ रोमांस करके कैसा लगा? देखिए मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था. तो मैं सिर्फ कैरेक्टर से बात कर रहा था, मैं किसी इंडिविजुअल से नहीं कर रहा. मैं बहुत डीप एक्टर हूँ, बहुत ही ज्यादा डीप. और पहली बार कर रहा था, कभी किसी से मैंने बात नहीं की थी वैसे ना, तो बड़ा मुश्किल था. आपकी क्या इच्छा है? आप किसके साथ पिक्चर करना चाहेंगे अगर पहली करना चाहेंगे? काफी एक्ट्रेस हैं. कोई ना, आपके मन में आपकी लिस्ट खुली, आप जो बोल दो. सभी के साथ जैसे कि काफी अच्छे, जैसे दीपिका पादुकोण है, ठीक है, कैटरीना कैफ है, करीना कपूर है, और काफी हैं जैसे कि अगर किसी एक को चुनना पड़े आपको तो दीपिका. बट वो एक गलत बोल दिया भाई जी. गलत कोई नहीं, रोल अलग होगा, मतलब छोटा बड़ा प्यार नहीं देखता, प्यार में कुछ नहीं. अगर विराट भाई इजाजत देंगे तो. विराट भाई क्यों इजाजत देंगे आपको दीपिका के साथ? वो तो सबको पता है, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ. दीपिका ने अनुष्का ऐसा भी चल रहा है क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं है, कोई बता तो दे मेरे को यार. वो तो विराट और अनुष्का की शादी की बात चल रही है ना. अरे बाबा गलत, वो रणवीर सिंह है. ये आप खाली हॉकी खेलने में बिजी थे यार. अपन ने गुरजन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बहुत जल्दी हॉकी प्लेयर बन गए थे, फिर आप वैसे हॉकी में से कभी ऐसा टाइम वाइम निकाला कि आपने कभी डेट किया आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए? कभी टाइम निकाल पाते हैं? चलता रहता है वो सब कुछ तो. वैसे टाइम
एक के लिए या कितने के लिए इसके? ये भी जरूरी, कितनों के लिए भाई? आपसे आपसे बात करूं, कितनों के लिए? काफी है भाई, हर टाइम टाइम देना पड़ता है कि हाँ देखना पड़ता है कि किसको कितना टाइम दिया है, दूसरी को कितना देना है। तो हॉकी कब खेलते हैं? सैटरडे संडे ऑफ होता है हमारा, तो उस वक्त टाइम पहले शेड्यूल बनाता है कि हाँ इसको इतना देना है, दूसरी को इतना देना है। पहले प्रैक्टिस का शेड्यूल बनता है सैटरडे संडे, सैटरडे संडे इसका। हाँ यूजुअली एक मिनट सर पकड़ना इसको, सल्यूट प्लीज। ये मेरे सीनियर लोग हैं, कुछ इन्हीं से सीख रहा हूँ मेन, तो ये हैं, ये पाजी सीनियर हैं, इनसे सीख रहा हूँ मैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे आकाश, मुझे एक बात बताएं, आप जिंगाड गाना बड़ा पसंद करते हैं ना? हाँ जी, जिंगाड गाना बड़ा पसंद करते हैं ना? चले हम एक काम करते हैं, सारी की सारी ऑडियंस हमारे साथ मिलके इस वक्त वो कप जीतने की खुशी मनाएगी, गाना बजाओ। सर टैटू कराया उसने सर। भाई कुछ तो एडवांटेज होगा। बहुत बढ़िया, टैटू एंड खार बैंड्रा। आज नाचने का बहुत दिल कर रहा है यार। क्या बात? जब आधी रात को अचानक से पति घर पे आ जाता था ना, हाँ। तो खिड़की से कभी शर्मा और कभी गुप्ता ही लटकते थे। दीदी हॉकी टीम तो आ गए, हाँ? लेकिन अपना इथुन तितुन मिथुन नहीं आया अब तक। अपना मिथुन? अरे वो गया है। कहाँ? अभी हॉकी टीम में रेफरी बना है। रेफरी? हाँ। पर रेफरी वाला काम तो आता नहीं उनको। अरे कॉमेडी में हंसने का भी काम आता था क्या उनको? नहीं आता था ना। टैलेंटेड आदमी वहाँ भी आए सुझा करके कमा लेगा वो। वो कमाल आदमी है। अरे क्या बात है रे? देखो अजय जाडे आ। जाडे आ नहीं, जड़े जा। जा तेरे लिए मेरे लिए आ है आ। जवानी में ऐसी आ के इशारे कर करके बुलाते थे मुझे। बहुत पैसा है, मालदार पार्टी है। मालदार है? अरे इतना पैसा एटीएम में कार्ड डालता है ना, हाँ। तो सामने से पर्ची आती है, बाबा इतना पैसा नहीं है हमारे पास। क्या बात है दीदी, जरा देखो तो सही, राजकुमार राव भी आए हैं। अरे वाह, यू कमिंग फॉर द सेकंड टाइम यार। पर दीदी उनके पाँव को क्या हो गया है? उनको पता था ना इधर आने के बाद ये बुढ़िया टांग बहुत खींचेगी, तो पहले से टुड़वा के आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग ये शो पे ऐसी बकवास नहीं करते रहते, अच्छी बात भी करते हैं। राजकुमार ने ऑस्कर तक पहुंचाया है बॉलीवुड को, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है भाई, न्यूटन के लिए। यार तूने कभी सोचा है क्या, न्यूटन ने वो ग्रेविटी ऑफ लॉ बनाया, अगर न्यूटन की जगह पे उस टाइम पे अपने अजय जडेजा होते तो क्या होता? क्या होता? लॉ ऑफ ग्रेविटी बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब एप्पल ऊपर से गिरता है ये कैच पकड़ के फेंक देते हैं। बट आई हैव वन क्वेश्चन, न्यूटन डिस्कवर्ड दिस ग्रेविटी ऑफ लॉ ओनली व्हेन दिस एप्पल फेल फ्रॉम द टॉप। या 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 सिर्फ एप्पल की वजह से ना? या 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 वो तो सुबह सुसु भी करते थे, उससे क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने? अरे राजकुमार बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी, मैं सच बता रही हूँ। All your films I have done in Bhojpuri. Bhojpuri? I am heroine. Don't take me otherwise. Yeah. I am not a small town girl. You know, इनकी पिक्चर आई थी ट्रैप, है ना? उसको मैंने भोजपुरी में किया था। अच्छा। उसका नाम था जीजा पट गया साली से, कभी चीखे खिड़की से कभी जाली से। Then I, you did that film Shahid, in that poster you're sitting like this, wearing nothing, you know? That film I did in Bhojpuri. क्या उसका नाम था? चीखने वाले रह गए दंग, लौंडा फिरे नंग धड़ंग। दीदी एक भोजपुरी फिल्म मैंने भी की थी, आप बताओ ना। मैं क्यों बताऊं, तू याद करके नहीं आई है? तू याद करके बता, अपना बता। दो दो शो करती है मार्केट में। मैं बताती हूँ दीदी, दो दो शो कर लिए, क्या उखाड़ लिया? चला तो यही है ना, बात कर रही है। आगे बढ़, आगे का बोल। हाँ बताती हूँ, मेरी फ्लाइट है, जल्दी बोल। दीदी हाँ? मैं बताती हूँ आपकी फिल्म आई थी ना बरेली की बर्फी, हाँ? उसकी भोजपुरी रीमेक मैंने की थी। क्या नाम था?
हलवाई की दुकान पे कोई 2 किलो बर्फी बोल गया, राइटर का कलम देख के बाबूजी का मन डोल गया। क्या याद किया यार? बहुत बड़ी। क्या हो गया आपको? हाँ, यूँ देख कौन आई? कृति। चली, बड़ी प्यारी बच्ची है, नई नई आई है इंडस्ट्री में, है ना? जरा संभल के रहना, तुझे नहीं पता पांगे पिछले 3 साल से मुझे लॉन्च कर रहा है लेकिन फिल्म एक भी नहीं बनाया। तू एक बात बता, तू वहां पर लॉन्च होने के लिए जाती क्यों है सबसे पहले बता। लॉन्च होने का इतना शौक है मूली के पराठे खा के उल्टी लेट जा, वैसे ही लॉन्च हो जाएगी, छोटी बात। मैंने सुना है दीदी हॉकी में पैसे बहुत कम होते हैं। ये कौन कहता है? हॉकी लेके कभी मार्केट में निकल, पैसा ही पैसा मिलेगा तेरे को। हरमनप्रीत सिंह कहाँ है? प्रेजेंट प्रेजेंट। अरे यू नो ही सच अ बिग पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है ये। वाओ वाओ। तुझे पता है मैं भी पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट रही हूँ। कैसे? जब भी कॉर्नर में किसी लौंडे के साथ पकड़ी जाती थी ना। मैं जब भी पकड़ी जाती थी पुलिस वाले को पेनल्टी देके छूट जाती थी ना। बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट रही हूँ। लेकिन मनप्रीत कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। ये पहले लो पे। पहला वाला। मैं एक्चुअली हॉकी टीम में आना चाहती थी। अच्छा। मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं ये बाहर ही निकलूँगा। हॉकी टीम में मैं भर्ती नहीं हो पाई। क्यों दीदी क्यों? मैं क्यों का आगे बना नहीं है। अच्छा। समझे? मैं हॉकी टीम में भर्ती नहीं हो पाई लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बेटा वो हॉकी टीम में जाए। पर आपकी तो शादी नहीं हुई तो बेटा कहाँ से आएगा? अरे इनको एक बार मानने तो दे, बेटा क्या है वो मैं से ले आऊंगी। क्यों आ जाए? अभी इनको ठीक करने का टाइम आया है। हाँ 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 हाँ। सबसे पहले राजकुमार। अच्छा। He's very unwell. दीदी हाँ। He needs to shoot. He has to go to the Oscars. Let's go दीदी। ये क्या है बट? तू क्या भंगार वाली है क्या? क्या है? Everything is okay? Darling, what happened to you? Fracture. How come? Hey! बाहुबली का शूट नहीं है ये. No. नहीं। मैं अभी ठीक करूंगी। नहीं। You have to work. नहीं। दीदी ये वाला भी है। पहले चेक करो कहाँ कहाँ टूटा है। एक मिनट। ठीक है ये वाला। नहीं। अरे क्रीम दे। ये क्या कर रही है? दे जल्दी से। क्रीम कहाँ है? क्रीम डाला ही नहीं दीदी। अच्छा इसी का क्रीम निकलेगा। दीदी रिलैक्स हिम। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।